गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू SBL मेमोरियल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। टुडेज आर वीडियो फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट SST पार्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं आज हम। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेंड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। कब 19th सेंचुरी के लास्ट का अंत, कब जो क्वार्टर था, जो चौथाई हिस्सा जो था, उस टाइमिंग में 19th सेंचुरी के उस लास्ट के उस टाइमिंग में क्या हुआ था कि राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी और उदारवादी और जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा था, जो कि कब सेंचुरी के फर्स्ट हिस्से में जो था वो अब नहीं रहा था। और इसके जो लक्ष्य है वो क्या हो गए थे, सीमित रह गए थे, और सीमित वाला इसने क्या बना दिया था, अपना सिद्धांत बना दिया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रेजिंगली इंटोलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ऑन इम्पेरियलिस्ट एम्स। अब इस बीच के दौरान में क्या हुआ था, जो राष्ट्रवादी जो ग्रुप थे वो एक दूसरे के प्रति क्या बन गए थे, अनुदार होते चले गए थे, और लड़ने के लिए हमेशा वो क्या रहते थे, तैयार रहते थे। और इसके साथ में ही क्या हुआ था, यूरोपीय जो शक्तियाँ थीं उन्होंने भी अपने जो साम्राज्यवादी जो लक्ष्य थे, जो उद्देश्य थे, उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो उनके अंडर में जो लोग थे उनकी राष्ट्रवादी जो इच्छाएं थी उनका इस्तेमाल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आता है। द मोस्ट सीरियस सोर्सेज ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन। 1871 के बाद में यूरोप में जो गंभीर समस्या थी, जो गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो सोर्स था वो क्या था, बाल्कन का एरिया था, यानी कि बाल्कन का क्षेत्र था। द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस कंपेरिजिंग मॉडर्न डे रोमानिया बल्गेरिया अल्बेनिया ग्रीस मेल्कोडोनिया क्रोएटिया बोस्निया हर्जेगोविना स्लोवेनिया सर्बिया एंड मोंटेग्रो हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज द स्लेव्स। अब इनमें जो मॉडर्नाइजेशन के जो एरिया थे, जैसे रोमानिया है, बुल्गेरिया है, अल्बेनिया है, यूनान है, मैसिडोनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है, और मोंटीनिग्रो है, ये सब इसके अंदर शामिल थे। और यहाँ के जो निवासी थे, इस क्षेत्र के जो निवासी थे, इनको आम तौर पर क्या कह के बुलाया जाता था, स्लेव, यानी कि गुलाम कहकर बुलाया जाता था। ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। बड़ी मात्रा के अंदर, एक बड़े क्षेत्र के अंदर क्या था, बाल्कन का जो एक क्षेत्र था उसमें एक जो बड़ा हिस्सा था, तो वो किसके अंडर में था, किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था। ओके, द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टूगेदर विद द डिस्टिंग्रेशंस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर वेड बाय रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। अब बाल्कन क्षेत्र में जो रोमानी राष्ट्रवाद जो था उसके जो विचार थे उसको फैलने के लिए और ऑटोमन साम्राज्य के उसको तोड़ने के लिए, इसको इसके पतन के लिए क्या किया गया, जो स्थिति वो क्या थी, काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। बाल्कन साम्राज्य की जो स्थिति थी वो क्या हो गई थी, विस्फोटक हो गई थी, किस लिए, ऑटोमन साम्राज्य के पतन के लिए। ठीक है, और ना फिर क्या होता है, ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इट्सेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स बट विथ वेरी लिटल सक्सेस। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट टाइजी ब्रॉक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंट और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। अब क्या हुआ था कि इसके बाद में 19th सेंचुरी के अंदर जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था और उसके अंदर जो सुधार हुए थे
सुधार के जरिए वो क्या करना चाहता था, इसको और मजबूत बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत क्या हुई थी, इनको सफलता कम मात्रा में मिली थी, इसलिए वो क्या चाहता था, इसको और मजबूत बनाना चाहता था। फिर एक के बाद एक जो भी इनके कंट्रोल में जो भी यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी उनके चंगुल से निकलकर इन्होंने क्या की थी, स्वतंत्रता की घोषणा करने लग गए थे। ठीक है, इसके बाद बाल्कन लोगों ने क्या किया था, आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार बना दिया था। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल किया था और ये साबित भी करने के लिए किया था कि वे क्या है, फ्री है, वे फ्रीडम यानी को स्वतंत्र है वो, इसलिए उन्होंने किया था। लेकिन बाद में जो विदेशी शक्तियाँ थी उन्हें उनको क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। अब बाल्कन जो एरिया था उसका जो विद्रोही राष्ट्र समूह था उन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया था और लंबे समय तक क्या की थी, कोई भी आज़ादी को वापस लाने के लिए अपने प्रयास के रूप में नहीं देखा था। भाई जितने प्रयास किए तो उसमें उनको क्या मिली थी, विफलता ही मिली थी। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटिक्स स्ट्रगल्ड टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस द बाल्कन आर एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स द बाल्कन स्टेट्स वर फार्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। जैसे जैसे अलग अलग जो स्लैव वाले जो राष्ट्रीय समूह थे, जो ग्रुप थे, इन्होंने अपनी पहचान और स्वतंत्र फ्रीडम की डेफिनेशन तय करने की कोशिश की थी और बाल्कन क्षेत्र अब क्या था कि गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया था और बाल्कन के जो राज्य थे, बाल्कन राज्य एक दूसरे से क्या करने लगे थे, ईर्ष्या करने लगे थे, होड करने लगे थे, वो जेलस फील होते थे। ठीक है, और हर राज्य के लिए ज़्यादा इलाका हथियाने की क्या रखते थे, उम्मीद रखते थे। ठीक है, मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन आल्सो बिकेम टू सीन ऑफ बिग पावर रिवलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस रिवलरी अमॉन्ग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। These rivalries were very evident to the way the Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary was keep on the countering the hold of the powers over the Balkans and extending its own control over the area. This led to series of the wars in the region of finally and First World War. अब क्या हुआ था इसके बाद में कि इन्होंने क्या किया था, उनको सफलता हासिल नहीं हुई थी। ठीक है, और इनके बीच में होड़ भी होने लग गई थी, प्रतिस्पर्धा की भावना भी फैल गई थी इनके पावर्स को लेके, और इस समय जो यूरोपीय शक्तियां थी इनके बीच में व्यापार और उपनिवेश के साथ साथ में ये सैनिक और सैन्य ताकत के लिए भी क्या होने लगी थी, होड़ होने लगी थी, प्रतिस्पर्धा इनके बीच में होने लग गई थी। और वह क्या उस समय ही खुलकर सबके सामने आई थी जो बड़ी समस्या थी बाल्कन की। फिर इसके बाद में रूस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रो है, हंगरी है की तरह ही बाल्कन ने क्या किया था, अपनी शक्तियों के ऊपर पकड़ करके जोर मतलब कमजोर करके शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके इन्होंने क्या कहता अपने क्षेत्र में प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। इससे इस इलाके में क्या हुआ था, कई युद्ध हुए थे और अंत तक क्या हुआ था, सबसे लास्ट में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial dominations. साम्राज्यवाद से जुड़कर क्या हुआ था कि राष्ट्रवाद 1914 में यानी कि 1914 में यूरोप को एक महाविपदा यानी बहुत बड़ा संकट की ओर ले गया था। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ था कि विश्व के जो अनेक देश थे, बहुत सारे जो देश थे उनमें देशों ने जिनका क्या क्या था 19th सेंचुरी में यूरोपीय शक्तियों से क्या हुआ था, औपनिवेशीकरण हुआ था। ठीक है, डोमिनेशंस हुआ था और साम्राज्यवादी जो सत्ता थी, जो पावर थी उसका वो क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे थे। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या होता, द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एंड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल to form independent states had were inspired by a sense of collective national unity. Forget the confrontations with the imperialism. European ideas of nationalism were now here repeated in for people everywhere developed their own specific variety of nationalism. But the idea of
societies should be organized into nation state came to be accepted as natural and universals. अब क्या हुआ था इसके बाद में कि हर तरफ जो साम्राज्य शक्तियां थी इनका जो विरोध हो रहा था, तो इसके लिए क्या हुआ, आंदोलन हुआ, मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ। और इसका अर्थ क्या था कि राष्ट्रवादी जो थे वे सभी स्वतंत्र और राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित थे, वो उनको इंस्पायर किया गया था। जो साम्राज्यवादी विरोध की क्या करने में थे, प्रक्रिया में उभरे थे। राष्ट्रवाद के जो यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए थे, क्योंकि हर जगह लोगों ने क्या किया था, अपनी अपनी विचारधाराओं को प्रकट किया था और अपनी विशिष्ट राष्ट्रवादी को विकसित करने का प्रयास किया था। मगर ये विचार कि समाज को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, ये स्वाभाविक था और सार्वभौमिक मान लिया गया था। ठीक है, अब इसी के साथ में आज अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।